पिछले वीडियो में हमने वन और मैनी को पढ़ा था। आज उसी का पार्ट टू हम इसमें देखेंगे, जिसमें हम रूल 4, 5, 6, 7 के बारे में बताएंगे, जो कि क्लास फर्स्ट के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्लास फर्स्ट के लिए वन मैनी यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो रूल थ्री तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं पार्ट वन में। आज हम बात करेंगे वन को मैनी में कन्वर्ट करने के लिए रूल फोर की। तो जब भी किसी वर्ड के पीछे एफ आता है तो वो इस रूल के हिसाब से वो चेंज हो जाता है वी ई एस में, यानी सी ए एल एल एफ काफ के एंड में एफ आ रहा है, एफ से ये एंड हो रहा है, तो जो इसका एफ होगा वो चेंज हो जाएगा वी ई एस में काफ, हाफ हाफ्स। इसी प्रकार सेल्फ, क्योंकि लास्ट में एफ आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा वी ई एस में लीफ, लीव्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स, थीफ, थीफ, थीव्स। वी ई एस में एफ चेंज हो जाता है, ये हो जाता है रूल नंबर फोर। रूल नंबर फाइव में जब भी किसी वर्ड के पीछे एफ ई आता है तो वो एफ ई भी वी ई एस में चेंज हो जाता है। जैसे लाइफ में एफ ई बाद में आता है तो लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइफ्स। तो ये था एफ और एफ ई को मैनी में चेंज करने के रूल्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जिन जिनको याद करने की ज़रूरत होती है, यानी इनका कोई पर्टिकल रूल नहीं होता है, बस इनको याद करने की ज़रूरत होती है। जैसे फूट है, फूट में डबल ओ डबल ई में बदल जाएगा फीट, टूथ का टीथ, गूस का प्लूलर यानी मैनी हो जाएगा गीस। इसी प्रकार चाइल्ड का मैनी चिल्ड्रन। इन सब वर्ड को बच्चों को याद कराने की ज़रूरत होती है। माउस माइस, मैन मैन, वुमेन विमेन, ऑक्स ऑक्सिन। तो ये इनके मैनी हो जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका वन और मैनी सेम होता है, यानी अगर डियर का वन डियर है तो इसका मैनी भी डियर होगा, सीप का वन स्वीप है मैनी भी सीप होगा, वाटर का मैनी वाटर, हेयर का मैनी हेयर, ग्रास का मैनी ग्रास, मिल्क का मैनी मिल्क। तो इस प्रकार से ये कुछ रूल्स होते हैं वन को मैनी में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ को हमें याद कराना होता है बच्चों से, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं होता है। अगर माउस है तो माइस, मैन है तो मैन, वीमैन है तो वीमैन, ऑक्स ऑक्सीन। इस प्रकार से याद करवाना होता है। तो ये वन और मैनी के दोनों पार्ट यहाँ पर फिनिश हो गए हैं।